हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे LLB 6 सेमेस्टर का थर्ड क्वेश्चन पेपर लॉ ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये 100 मार्क्स का पेपर है। इसके अंदर तीन सेक्शन है, सेक्शन ए, बी एंड सी। सेक्शन ए के अंदर 5 क्वेश्चन हैं 4 मार्क्स के, जो सारे करने मैंडेटरी हैं। पहला क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स। मौलिक अधिकारों और मानव अधिकारों के मध्य अंतर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट राइट्स आर कॉल्ड कलेक्टिव राइट्स। सामूहिक अधिकार कौन से अधिकारों को कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ फार राइट टू लाइफ इज प्रोटेक्टेड इन वेरियस इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स ऑन ह्यूमन राइट्स। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार उपकरणों में कहां तक जीवन के अधिकारों को सुरक्षित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठनों यूनेस्को पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन बी, जिसके अंदर 3 क्वेश्चन हैं 10 मार्क्स के, 2 करने मैंडेटरी हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स अंडर द अमेरिकन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स। मानवाधिकार पर अमेरिकी अभिसमय के अंतर्गत दीवानी और राजनीतिक अधिकारों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इन द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ द सिटीजन इन इंडिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भारतीय नागरिकों के मानवाधिकार सुरक्षा में भूमिका की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन यूनाइटेड नेशंस चार्टर एंड ह्यूमन राइट्स। संयुक्त राष्ट्र चार्टर और मानव अधिकारों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सेक्शन सी के अंदर 5 क्वेश्चन हैं 20-20 मार्क्स के, जिसमें से 3 करना मैंडेटरी है। पहला क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द राइट्स एंड फ्रीडम प्रोवाइडेड अंडर द यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स। मानवाधिकारों पर यूरोपियन अभिसमय में वर्णित अधिकार एवं स्वतंत्रताओं की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द बेसिक ह्यूमन राइट्स गारंटेड एंड प्रोटेक्टेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के अंतर्गत गारंटीकृत और संरक्षित मूल मानव अधिकारों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द सैलियंट फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स। डू दीज राइट्स रिफ्लेक्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन। सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के प्रमुख तथ्यों की विवेचना कीजिए। क्या ये अधिकार भारतीय संविधान में प्रलक्षित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन NE2 नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ह्यूमन राइट्स कमेटी एंड इट्स मैकेनिज्म। एंड थर्ड है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड जुडिशियल एक्टिविटीज। किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है राष्ट्रीय महिला आयोग, दूसरा है मानवाधिकार कमेटी और इसकी प्रणाली, तीसरा है लोकहितवाद तथा न्यायिक सक्रियता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स कंटेन्स द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज बाय सिविलाइज्ड नेशंस एंड ऑल्सो एन ऑथोरिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द चार्टर बाय जनरल असेंबली। डिस्कस द इम्पोर्टेंस एंड प्रोविजन ऑफ UDHR इन अबो रेफरेंस। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है तथा महासभा द्वारा अभिसमय का प्राधिकारिक निर्वचन किया गया है। इस संदर्भ में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का महत्व और प्रावधानों की विवेचना कीजिए।